हौसला काफी नहीं मंजिलें चढ़ने के लिए, दुआ दे दो मुझे रस्तों से गुजरने के लिए। मसला खुद का होता कब का बदल चुका होता, मैं परेशान होने की रस्तों को बदल ले। तो ये कुछ पंक्तियां उस दौरान मुझसे लिखी गई थी जब इन तमाम चीजों पर हमने काम करना शुरू किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लिया था तो उस दौरान मुझे ये नहीं मालूम था कि किस तरीके से कट ऑफ को हम चेक करते हैं, कट ऑफ किस बिहा पर हम दाखिला लेते हैं, क्योंकि लोनी से ताल्लुक रखने के बाद जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता। लेकिन जब दाखिला हुआ उसके दौरान वहां की चीजों को समझा, नेक्स्ट ईयर से हमने दाखिला कराना शुरू किया बच्चों का, उनको हेल्प करना शुरू किया कि किस तरीके से आपका किस कॉम्बिनेशन से आपका एडमिशन हो सकता है, तो काफी बच्चों के हमने दाखिले कराना शुरू कर दिया। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, मतलब सामाजिक सक्रियता से बहुत दूर रहते हैं। छात्र राजनीति में शामिल होकर के एक लालच कहें कि एक ये होता है कि आप छात्र राजनीति करेंगे, लेकिन आप बहुत सारे छात्रों के हितों के लिए आप काम कर देते हैं। उस दौरान हमने सैकड़ों बच्चों का दाखिला कराया, सैकड़ों लोगों को उस चीज को लेकर के मुतासर किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से दाखिला लेने के क्या फायदे हैं, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है उनसे आपके क्या फायदे हैं, आप अपनी कम्युनिटी को क्या फायदे पहुंचा सकते हैं। 2014 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, लेकिन उसी दौरान पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा था, लेकिन उसी दौरान जब एक्टिविज्म में देखा, सारी चीजों को नजदीक से भापा, जब देखा कि ऑर्गेनाइजेशन, खास करके मैं अगर बात सीधे तौर पर करूं जैसे आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीधे तौर पर वो अपनी कम्युनिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो अपने एजुकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स पर लीडर्स बना दिए हैं आरएसएस ने किस तरीके से एबीवीपी के जरिए। हम देखते हैं डूटा में कैसे टीचर्स के जो जिम्मेदार बन करके, आज भी जो डूटा में अगर जो प्रेसिडेंट है डूटा का, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का, वो भी आरएसएस का है। तो आरएसएस ने अपनी कितनी अच्छी तरीके से पकड़ बना ली है, वो पकड़ हम क्यों नहीं बना सकते, क्या खामियां है हमारे भीतर। उस तमाम चीजों को गौर में करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा मैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद भी उनके निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों से बातचीत की, 2015 में खिदमत आवाम युवा समिति करके एक सोच को पैदा किया। उस सोच का मकसद यह था कि लोग इल्जाम लगाते थे कि मुस्लिम इस तरह के होते हैं, मुस्लिम उस तरह के होते हैं, लेकिन हम मुझसे तो कहते थे कि मुस्लिम इस तरह के होते हैं, लेकिन हमें जाहिर करना होता है। उम्र कम थी, 18-19 साल की उम्र थी, लेकिन उस उम्र के अंदर जब वहां पर हमने सबसे पहली एक्टिविटी ये थी कि एक वहां पर पाकिस्तान के अंदर पेशावर में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था और यहाँ पर हमारे पंजाब में हुआ था, तो वहां हमने उस चीज की खास करके मुस्लिम की आइडेंटिटी दिखा करके हमने उसका सीधे तौर पर विरोध किया। हमने कहा कि देखो इसकी ये बुराइयां हैं, हमारे यूथ को भी मालूम चलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यूथ को अटैक कर दिया जाता, बता दिया जाता है कि तुम्हारे फेवर में हुआ है। तो उन तमाम चीजों को समझाने की कोशिश की हमने। ये शबे बरात की रात को जब एक हमारे ऊपर इल्जाम लगता है, हमारी कम्युनिटी पर ये लगता था कि भाई आप हुदंग करते हैं इस तरह के, और करते रहते हैं, हमारे यूथ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के। हमने हमारे ही लोगों को जिम्मेदार बना करके हमने कहा कि हम ही जब तैनात रहेंगे अलग अलग जो चौराहों पर, तो उससे जो है जब लोगों को नजर आएगा कि मुस्लिम ही इन चीजों का माहौल बेहतर करने वाले हैं, जब प्रशासन को हम कहेंगे आप पीछे रहे हम चीजों को आगे लेकर भी काम करेंगे, तो ना तो माहौल खराब होने की नौबत आएगी, दूसरे तरीके से मुस्लिम को अप्रिसिएशन मिलेगा, हमारी कम्युनिटी के अंदर एक सुधार की चीज आएगी। बहुत लंबी बातचीत ना करके उसी तजुर्बे को लेकर के सभी साथियों को एक नई लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की, लोगों को बताया। हमने अलग अलग विंग, मेरी उम्र बहुत कम नजर आएगी, इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, मुझसे बड़े बड़े तजुर्बेकार सभी लोग मौजूद है यहाँ पर, लेकिन एक ख्याल ये आया कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम काम कर रहे हैं, क्यों ना इसकी विंग्स के तौर पर काम करें ताकि लीडरशिप हम सभी साथियों को दे सके। हमने बात की ऑटो चालकों से कि आप भी अपनी लीडरशिप लेकर के आ सकते हैं, उसके अंदर बड़े मसले हैं, ऑटो वालों के साथ भी अपराध होते हैं और ऑटो वाले भी अपराध करते हैं, तो क्यों ना एक अच्छी क्वालिटी वाले लोग आकर के समाज को बेहतर रूप की तरफ जाने में काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो यूनियन का गठन भी हुआ और 3 साल बहुत बेहतर से काम भी किया, आज वो बहुत अच्छे तरीके से खुद काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ राह देने की जरूरत होती है, लोग काम करने के लिए तैयार है। मजदूरों को हमने एक मजदूरों की विंग इसी तरीके से बनाई, स्पोर्ट्स की ऐसी बनाई, क्रिकेट की विंग की, भाई आप जो है जब हरियाणा के अंदर से सारे अगर जो मेडल निकलते हैं सारे हरियाणा के अंदर से, तो लोनी के अंदर से गाजियाबाद के अंदर से क्यों नहीं निकल सकते। आप अपने टैलेंट के ऊपर काम करें, आपकी कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग आईपीएल में खेल सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़े जरिए बन सकते हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर काम किया, साथ साथ एजुकेशन की यहाँ पर अगर जो बात हो रही है तो एजुकेशन के ऊपर मैं बात करूं तो एजुकेशन को दिलचस्प बनाने के लिए ये चीज समझी कि साहित्यिक अगर उसको रूप दिया जाए,
साहित्य से जुड़ा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि 50-60 साल की उम्र के लोग इस साहित्य में दिलचस्पी लेते हैं, उनको पता होता है कि साहित्य, क्योंकि कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जब साहित्यिक ख्याल का अगर जो जब बच्चों को मालूम चले कि इन चीजों के मायने ऐसे ऐसे होते हैं, जब बड़े बड़े लॉयर्स उन चीजों में शामिल रहेंगे तो उससे बच्चों के अंदर ये ख्याल है कि मैं भी मंच पर जाकर के ऐसी ऐसी चीजें बोलूं, वो कब बोलेंगे, फिर वो सबसे पहले ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, वो उनको देखकर के मुतासर होंगे कि मैं भी यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ। तो हमने इन साहित्यिक चीजों पर काम करने की, मतलब एजुकेशन को दिलचस्प बनाने की कोशिश की। अब मैं बात तो मुकम्मल इस चीज पे करता हूँ कि जैसे गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ, तमाम चीजों गाजियाबाद क्या पूरे हिंदुस्तान की जरूरत है एजुकेशन, और एजुकेशन पे हम जितना ज्यादा काम कर सके उतना ज्यादा बेहतर है। सर सैयद हमारे पास एग्जांपल रहे हैं किस तरीके से उन्होंने काम किया, जामिया यूनिवर्सिटी किस तरीके से तैयार हुई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जो जोहर यूनिवर्सिटी, तो इस तरीके से जो यहाँ जिम्मेदार तमाम जो बैठे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात रखी कि किस तरीके से वो जो प्लस टू के स्कूल के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो अगर हम एजुकेशन के लेवल पे काम करते हैं, रोजगार के लेवल पे काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। और मैं इसी चीज पर मैं यकीन रखता हूँ कि हमारी सोच बेहतर हो और हम लीडरशिप पर काम करें, सबको देख करके उनको लीडरशिप इस चीज की दे दें, जिम्मेदारी दे दें, तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।